हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लीलर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीईटी के बारे में, जो हरियाणा के अंदर सीईटी एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसकी जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, या नोटिफिकेशन कर लो, ये इम्पोर्टेंट जानकारी कह सकते हो आप कि जो आपको पता है मैं मैथ टीच करवाता हूँ और अपने YouTube चैनल के ऊपर जो नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही थी और उसके कंसेप्ट प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो प्लेलिस्ट वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर सारे सारे कंसेप्ट भी करवा दिए गए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा दिए गए। वो जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए तो वहाँ से मेरे पास में ना एक रिजल्ट निकल गया, जो मैंने अलग अलग बुकों से कलेक्शन कर रहा था वो सारी की सारी कलेक्शन एक बुक के अंदर है। और वो बुक कौन सी है वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। वो बुक है ना, बहुत अच्छी बुक है। जब मैंने देखा, मेरे को किसी ने ये सजेस्ट करने के लिए नहीं बोला, बट मैंने जब उस बुक को अंदर देखा, उस कंटेंट देखा और उस बुक को मैंने पहले उस बारे में सुना था, सच में बताऊँ उस बुक के बारे में सुना जरूर था मैंने बट देखा नहीं था। अब जब उस बुक को देखा तो उस बुक के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है। जो हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो, उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। जो अभी हरियाणा सीईटी का नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, एनटीए के अकॉर्डिंग आएगा जो एग्ज़ाम्स वगैरह आएंगे, तो उसके अंदर क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो ये जो संस्था है जो पहली बार एग्ज़ाम ले रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के पेपर कंडक्ट करवाए हैं, उनके लिए तो ये छोटा पेपर है। और वो छोटा पेपर उठाएंगे तो मे भी मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो आपको बता रहा हूँ कि वो जो पेपर उठाएंगे तो वो डायरेक्ट अप्रोच कहाँ से लेंगे, वो ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है इन्होंने पीछे के सालों में कैसा दिया है, उसी पे यहाँ पे वो पैटर्न तैयार करेंगे, न कि वो अपनी भी तरफ से। पर उनका एक चीज़ मैंने देखी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो उनके जो पेपर होते हैं, मैं सीईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनके पेपर होते हैं उनके अंदर जो वेटेज वगैरह रहती है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की काफ़ी अच्छी रहती है। तो उसके अंदर मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनको पता है मैथ आता है वो रीजनिंग भी अच्छे लेवल पर कर लेते हैं। बाकी जी के या जी एस है वो तो आपको पता है एक अथक है, वो तो जितना ज़्यादा करो उतना ही ज़्यादा बेटर होता जाएगा दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो जहाँ से मैंने ये रिजल्ट निकाला कि वो जो क्वेश्चंस वगैरह हैं प्रीवियस ईयर के सारे सारे, वो हमारे पास में बहुत सारी बुकें ना उठाने पड़े, एक ही बुक के अंदर मिल जाए, तो वो है ये, देखो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बुक है प्रदीप सर की, जीके भाई प्रदीप सर, आपने सभी ने सुना ही होगा। ये प्रदीप सर की बुक है और इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से वो बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर सिर्फ पुलिस के, जैसे इसके ऊपर पुलिस लिख रखा है, ऐसा नहीं, पुलिस के सारे क्वेश्चन है, पटवारी के क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन है हरियाणा के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई सा भी एग्जाम हुआ। और इसके अंदर प्लस हरियाणा के क्वेश्चन पेपर होने के साथ साथ इसमें क्या है, इसके अंदर SSC और DSSS भी, टीचिंग के एग्ज़ाम के वो पेपर भी हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टीचिंग वाले एग्ज़ाम के अंदर जो नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आ गया तो हरियाणा सीईटी के अंदर नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो जो एक साल, मैंने आपको पहले बताया भी था, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं एक साल के अंदर, अगर मान लो 1 लाख क्वेश्चन बन गए तो ऐसा नहीं है कि अगले साल में वो लाख क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो वहाँ से 80-90% क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और इस बुक के अंदर क्या है कि मैंने देखा बहुत अच्छे लेवल में दे रखा है और बहुत चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से सजेस्ट भी कर रखा है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई इधर से मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए गचमच मार रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर वे चैप्टर वाइज दे रखे हैं, पूरे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। और मैंने भी जो क्वेश्चंस कराए वो प्रीवियस ईयर के सारे सारे इसी क्वेश्चन इसी बुक के करवाए हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चंस हैं भाई, मेरे को मत्था ही नहीं मारना पड़ा, सच बताऊं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने के लिए मेरे को मत्था नहीं मारना पड़ा। ये वाली बुक बहुत अच्छी बुक है और इसमें से आप ये मान के चलो कि इस बुक में से मेरे अकॉर्डिंग 80 से 90%, 80% तो मान के चलो, 80% जो पेपर है वो सारा सारा इसी में से रिपीट होएगा, पूरा का पूरा पेपर यहीं से रिपीट होएगा 80%, ठीक है। तो आप कृपया करके ये बुक परचेज कर लें जिनके पास में नहीं है, और बाकी जो अपना जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहो। बस ये क्या है कि अपने तैयारी को चेक करने के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि अपन ने जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी कंसेप्ट तैयार किया है, वो कंसेप्ट उठा लिया, उसके दिन में अंदर जो भी आपने कंसेप्ट तैयार किया उसके बाद में उसी कंसेप्ट के इस बुक में से आप प्रिपरेशन क्वेश्चंस करके देखो और अपनी लेवल तैयारी को चेक कर लो कि किस लेवल तक तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपने एक बार, मैं फिर से आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देख लो।
प्रदीप जी के भाई, प्रदीप सर की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। हरियाणा सीईटी की तैयारी करने लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण बुक है भाई, बहुत अच्छी बुक है भाई। ओके भाई, थैंक यू बच्चों।